हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। याद रखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक न्यूज़पेपर आप लोग फॉलो करते रहिए, फिर हिंदी मीडियम से आप लोग तो आपके लिए जागरण ठीक है, दैनिक जागरण और जनसत्या जनसत्ता भी आप लोग ले सकते हैं। अगर आपके शहर में ये दोनों पेपर नहीं मिलते हैं तो आप दिल्ली संस्करण दैनिक जागरण का डाउनलोड भी कर सकते हैं उसकी मेन साइट से, ठीक है? तो वहां से आप लोग हर कोई भी न्यूज़पेपर है उसकी मेन साइट पर जाइए, वहां डाउनलोड का ऑप्शन भी आपको मिलेगा, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि इससे क्या रहता है कि आप लोग करंट से जुड़े रहते हैं, और आज के समय में आप जानते होंगे कि करंट का कितना महत्व बढ़ चुका है आपकी परीक्षाओं में, ठीक है? चलिए जान लेते हैं इस रिपोर्ट के बारे में हम लोग। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसे आप लोग UNEP भी कहते हैं, उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2020 जारी की गई है, और UNEP की वार्षिक रिपोर्ट अनुमानित उत्सर्जन और स्तरों के मध्य अंतर को मापती है, ताकि पेरिस समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप इस सदी में वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस कम रखा जा सके। आप समझिए कि एक समय हम लोग इन पर ध्यान नहीं देते थे, जलवायु परिवर्तन पर ध्यान नहीं देते थे, पर्यावरण की ओर हम लोग कोई ध्यान नहीं देते थे, हम लोग कहते थे चल रहा है चलने दीजिए। आज समझिए आप लोग कि हम लोग जो पानी पी रहे हैं, जो स्वच्छ वायु ले रहे हैं, जितनी भी ले रहे हैं, वो हमारे पूर्वजों की एक तरह से देन है। आप समझिए, उन्होंने इसका दुरुपयोग नहीं किया, उनके मन में लालच नहीं था, इसलिए काफी हम लोगों को मिल रहा है। अगर हम जिस तरह से लालच भरे तरीके से हम लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ी को भी तरस जाएंगे। पानी के बारे में तो आप जानते होंगे, ज्यादा दूर मत जाइए, 8 से 10 साल पीछे जाइए आप लोग। आपने देखा होगा कुआं इस तरह से भरे रहते थे कि आप हाथ से पानी ले सकते थे। आपने देखा होगा कि इस तरह से आपके यहाँ बरसात होती थी कि 7-7 दिन पानी बरस रहा है। आज के समय में आप देख सकते हैं, मालूम ही नहीं चलता है कि बरसात का मौसम कब आया, कब खत्म हो गया। एक समय आप देखते थे कि स्कूल जाते थे तो आपने देखा होगा पेड़ ही पेड़ दिखाई देते थे, आज आपको पेड़ भी ढूंढने पड़ रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग? तो मेरा मानना है ऐसा कि आप लोग जब भी आपका बर्थडे है या कोई खुशी का माहौल है घर में, तो एक दो पेड़ लगा दीजिए। आप लाखों रुपया खर्च कर देते हैं पार्टियों पर, वो पार्टी करिए, मैं उससे को मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक दो पेड़ भी उसकी जगह आप लोग लगा सकते हैं, वो आपकी याद में तब तक रहेंगे जब तक वो पेड़ रहेंगे, आपकी याद बनी रहेगी, समझ रहे हैं आप लोग? वरना आज आप देख रहे हैं कि जहां पानी नहीं बरसता था वहां बाढ़ आ जा रही है, मालूम ही नहीं चल रहा है कि किस मौसम में कब बरसात हो, कब बाढ़ आ जाए, कब तूफान आ जाए, समझ रहे हैं आप लोग? 2019 के लिए विश्लेषण की बात करें हम लोग, तो रिकॉर्ड उच्च ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, यदि रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों पर गौर करें तो लगातार तीसरे वर्ष ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि दर्ज की गई है, यानी कि बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो 2019 में बढ़कर अब तक के रिकॉर्ड स्तर 59.1 गीगाटन ग्रीन हाउस गैस प्लस भूमि उपयोग में आया परिवर्तन पर पहुंच चुकी है, ठीक है? ऐसे कुछ संकेत मिले हैं जो वैश्विक वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में धीमी वृद्धि को दर्शाते हैं। हालांकि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन अर्थव्यवस्था में GHG उत्सर्जन में गिरावट आ रही है, जबकि गैर OECD अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो रही है। एक बात और बताऊंगा आप लोगों को, इस तरह के आपके जो भी संगठन है, फिर चाहे राष्ट्रीय संगठन हो, फिर चाहे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो, उन सबको हम लोगों ने कवर भी कर लिया है, तो आपकी प्लेलिस्ट सूची में सूची बनी हुई है महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से, क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे कि क्वेश्चंस पेपर आप लोग पुराने उठा के देखिए, उसमें 2 से 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे हर हाल में, ठीक है? दर्ज कार्बन उत्सर्जन की बात करें तो जीवाश्म में कार्बन उत्सर्जन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जन, जीवाश्म ईंधन और कार्बोनेट से कुल GHG उत्सर्जन में अधिक है। वर्ष 2019 में जीवाश्म CO2 उत्सर्जन रिकॉर्ड 38.0 GT CO2 तक पहुंच गया है। बनाग्नि के कारण GHG उत्सर्जन में वृद्धि 2010 के बाद से वैश्विक स्तर GHG उत्सर्जन औसत प्रतिवर्ष 1.4% बढ़ा है, और वर्ष 2019 में वनाग्नि की घटनाओं में वृद्धि के कारण इसमें 2.6% अधिक की वृद्धि हुई। वनाग्नि का कहने का मतलब है कि वन में जो आग लग जाती है, कई जगह आप सुनते हैं कि यहाँ यहाँ के जंगल जलकर खाक हो चुके हैं, तो उसी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक?
G20 देशों द्वारा भारी मात्रा में उत्सर्जन की बात करें तो पिछले एक दशक में शीर्ष चार उत्सर्जक देश, जिनमें आप देखेंगे चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपियन यूनियन जिसमें आप 27 देश बचे, यूनाइटेड किंगडम और भारत ने भूमि उपयोग में परिवर्तन के बिना कुल GHG उत्सर्जन में 55% का योगदान दिया है। तो इन टॉप चार देशों को याद भी रखना है आपको, ठीक है। फिर बात करें शीर्ष सात उत्सर्जकों की, तो रूसी संघ, जापान और अंतरराष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट सहित ने 65% योगदान दिया है, जिसमें G20 सदस्यों का हिस्सा कितना है, 78%। प्रति व्यक्ति उत्सर्जन को शामिल करने पर देशों की रैंकिंग बदल जाती है। अब बात करें खपत आधारित उत्सर्जन की, तो दोनों प्रकार के उत्सर्जन में समान दरों पर गिरावट आई है। एक समान प्रवृत्ति है कि समृद्ध देशों में क्षेत्र आधारित उत्सर्जन की तुलना में खपत आधारित उत्सर्जन उस देश को आवंटित किया जाता है जहां वस्तुओं के उत्पादन का उत्पादन कर ना करके उनका क्रय उपभोग किया जाए, उच्च होता है, क्योंकि उनके यहाँ आमतौर पर क्लीनर उत्पादन अपेक्षाकृत अधिक सेवाएं और प्राथमिक तथा माध्यमिक उत्पादों का आयात अधिक होता है। आयात कहने का मतलब है कि बाहर से खरीद लेते हैं लोग, आयात करते हैं। महामारी के प्रभाव की बात करें हम लोग, तो याद रखिए इस महामारी ने काफी हमें कुछ दिया भी है। एक समय होता था कि आप लोग हाथ नहीं धोते थे, बाहर से आ रहे हैं आप लोग घर में चले जाते थे अंदर, और कई तरह की बीमारियां इस तरह की हो जाती थी। तो एक तो आप यही कह सकते हैं, समझ रहे हैं आप लोग, समाज में एकता का भाव भी पैदा किया है आप देखेंगे महामारी ने। और सबसे बड़ी बात है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को उजागर किया है, पर्यावरण के लिए भी काफी लाभदायक रहा है, क्योंकि आपने देखा है कि जब परिवहन नहीं चले तो CO2 यानी कि प्रदूषण कहां से फैलेगा, सब कुछ ठप पड़ा रहा, ठीक है। उत्सर्जन स्तर गैर CO2 के कम प्रभावित होने की संभावना के चलते GHG उत्सर्जन में गिरावट की आशा के साथ वर्ष 2019 में उसके उत्सर्जन स्तरों की तुलना में वर्ष 2020 में CO2 उत्सर्जन में लगभग 7% की कमी आ सकती है, क्योंकि इसमें आंकड़े आपके 2019 के शामिल किए गए हैं और आप जानते हैं महामारी 2020 में आई हुई है, तो अगले साल जो आंकड़े आएंगे उसमें शामिल किया जाएगा। GHG जैसे मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप वायुमंडलीय शांतता में वर्ष 2019 और 2020 में वृद्धि जारी की गई है। महामारी के कारण उत्सर्जन में सबसे कम गिरावट दर्ज करने वाले क्षेत्र की बात करें, सबसे बड़ा बदलाव सीमित गतिशीलता के चलते ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में हुआ है, हालांकि अन्य क्षेत्रों में भी कटौती हुई है। मुझे ये समझ में नहीं आता है, आप लोगों ने देखा होगा दीपावली पर रोक लगा दी गई कि पटाखे मत जलाइए आप लोग, और ये आप वही है कि आप चोरी कर रहे हैं, आप महाचोर हैं, और आप अपने बच्चों को शिक्षा क्या दे रहे हैं, बेटा चोरी मत करना, चोरी गलत चीज है। तो इनके घर में जो AC लगी हुई है, जो ये कार चलाते हैं, ये आप सोचिए सब्जी लेने भी जा रहे हैं तो VIP कार का उपयोग कर रहे हैं, उससे प्रदूषण नहीं फैल रहा है, आप समझ सकते हैं। और एक दिन का कोई त्योहार आता है उस दिन आप कह देते हैं कि वो प्रदूषण फैल रहा है, ठीक है, हाँ मान रहा हूं कि प्रदूषण फैल रहा है, लेकिन बाकी के दिनों क्या है, वही हाल है कि 2 अक्टूबर आता है या कोई भी जयंती होती है, 15 अगस्त हो, फिर चाहे आपका 26 जनवरी हो, उस दिन हमें देशभक्ति हमारे मन में आ जाती है और बाकी के दिनों हम लोग कुछ नहीं करते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा कि नव दुर्गा में आपके अंदर भक्ति जाग जाती है, बाकी के दिनों आप लोग नव दुर्गा छोड़िए आप लोग कुछ नहीं करते हैं। अगर कोई माँ अगर भीख भी मांग रही तो उसे भीख भी नहीं देते हैं, अगर कोई गिर जाए तो उसे उठाते भी नहीं आप लोग। तो ये हमारे देश में बड़ा आप समझ सकते हैं डमाडोल किए हुए स्थिति। मुद्दे और संभावित समाधान की बात करें, विश्व अभी भी इसी सदी में 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वृद्धि की ओर बढ़ रहा है, और पेरिस समझौते की महत्वाकांक्षी लक्ष्य 2 डिग्री सेल्सियस के लिए मौजूदा कोशिशों के मुकाबले कार्यवाहियों को तिगना और 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य हेतु प्रयासों में 5 गुना तीव्रता होनी चाहिए। आप समझिए अगर तापमान बढ़ता है तो आप देखेंगे कि कई क्षेत्र डूब भी जाएंगे, समझ रहे हैं, बांग्लादेश, मालदीव, इस तरह के कई देश हैं जो डूब भी जाएंगे आधे, समझ रहे हैं आप लोग, क्योंकि बर्फ आप सोचिए कि पानी में बदलेगी और जो भी समुद्र है उनका जल स्तर ऊपर बढ़ेगा। वैश्विक तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दुनिया भर में मौसम से संबंधित भयावह घटनाओं के कारण बन सकता है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों का मानना है कि कोविड प्रेरित आर्थिक मंदी का सामना कर रहे देशों के लिए इससे बचने का तरीका ग्रीन हाउस रिकवरी नीतियों और कार्यक्रमों को प्रोत्साहन करना है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार ग्रीन रिकवरी में शून्य उत्सर्जन तकनीक और बुनियादी ढांचे में निवेश,
जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को कम करना, नए कोयला संयंत्रों पर रोक तथा प्रकृति आधारित समाधानों को बढ़ावा देना शामिल है। इस तरह की कार्यवाही वर्ष 2030 तक अनुमानित उत्सर्जन में 25% तक की गिरावट की कटौती कर सकती है और पेरिस संधि में निर्धारित 2 डिग्री सेल्सियस के दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करने की संभावना में 60% की वृद्धि कर सकती है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि हमारे देश में नवीकरणीय ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब सीधा सा इतना है कि पर्यावरण को नुकसान भी कम होगा और आप सोचिए एक वैकल्पिक व्यवस्था रहेगी हमारे पास ऊर्जा की, क्योंकि आप समझते हैं कि कोयला हो चाहे आपका कच्चा तेल हो, इसे बनने में लाखों साल लगते हैं और उपयोग करने में आप समझते हैं कितने कुछ ही सालों में आप खत्म कर सकते हैं, तो एक समय के बाद एक खत्म हो जाएगा, तो उस समय हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्था तो होनी चाहिए, क्योंकि ऊर्जा के बिना मुझे नहीं लगता है कि अब जिंदगी संभव बना पाएंगे आप लोग, क्योंकि इस तरह से आप जुड़ चुके हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के बारे में अगर हम बात करें तो यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। इसकी स्थापना वर्ष 1972 में मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान हुई थी, इसके बारे में भी याद रखिए। इस संगठन का उद्देश्य मानव पर्यावरण को प्रभावित करने वाले सभी मामलों में अंतरराष्ट्रीय आयोग सहयोग को बढ़ाना तथा पर्यावरण संबंधी जानकारी का संग्रहण, मूल्यांकन एवं पारस्परिक सहयोग सुनिश्चित करना है। UNEP पर्यावरण संबंधी समस्याओं के तकनीकी एवं सामान्य निदान हेतु एक उद्प्रेरक के रूप में कार्य करता है और UNEP अन्य संयुक्त राष्ट्र निकायों के साथ सहयोग करते हुए सैकड़ों परियोजनाओं पर सफलतापूर्वक कार्य कर चुका है। इसके मुख्यालय की बात करें तो नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय मिलेगा। फिर मुख्य रिपोर्ट की बात करें तो ये कौन कौन से रिपोर्ट जारी करता है, इस तरह के क्वेश्चन भी आप देखेंगे पूछ लिए गए हैं कि इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है, या पूछ लेगा कि ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है। तो ये रिपोर्ट जारी करता है उत्सर्जन गैप रिपोर्ट, पैसिफिक पर्यावरण आउटलुक, फ्रंटियर्स, इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लेनेट, ये सभी रिपोर्ट कौन करता है आपका UNEP। इसके प्रमुख अभियान की बात करें तो वीट प्रदूषण, विश्व पर्यावरण दिवस और वाइल्ड फॉर लाइफ इसके प्रमुख अभियान है, UN 75 का अभियान है। ठीक है, तो ये कहानी थी आपकी उत्सर्जन गैप रिपोर्ट की और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की। तो इसे भी आप लोग याद रखिए, क्वेश्चंस बन सकता है डायरेक्ट भी।